Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss out my any videos. Thank you. Hello friends, good morning. और अभी बजा है एक और अभी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी खा रही थी तो मैं बहुत ख़राब लग रही हूँ इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड एंड डोंट जज कि आप इतनी ख़राब लगती हैं आप व्लॉग स्टार्ट कर देती है तो कोई बात नहीं मैं ऐसे ही रहती हूँ तो आलू अभी जस्ट सोई थी 12 बजे और 1 बजे उठ गई है और इसके पापा बाहर से टहलाने ले गए हैं क्योंकि वो 4 बजे चले जाएंगे और मैंने आज लंच में बनाया है मैंने आज सुबह में ब्रेकफास्ट में बनाया था दाल पराठा और आलू चने की सब्ज़ी और अभी मैं बना रही हूँ सूजी का छिलका क्योंकि आज हमारा चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो हमने सूजी का छिलका बनाया है मतलब था भूख तो लगी नहीं थी पर चावल नहीं बनाई थी और ये बोले कि रात में भी चावल खाए थे तो चावल नहीं खाने का मन है तो तुम कुछ और बना तो मैंने छिलका बना दिया है ये है आरू जो बन गई है भूत बेटा कितना सारा पाउडर खत्म कर दी बेटा आरू क्या कर रही है तुम Have you gone mad बेटा हाँ ये क्या है What is this ये देखिए आँख में चाह रहा है ना बाबा आरू आरू क्या कर पहले मैं साफ कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ और आरू को मैंने साफ़ कर दिया है आरू क्लीन हो गई है और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है पता नहीं फीवर फीवर जैसा लग रहा है हो सकता है बहुत सारे काम का हरासमेंट हो जाता है कभी कभी वो सारा निकलता ही है कभी ना कभी तो निकलना ही है तो वो हो सकता है वो निकलेगा या फिर मैंने थोड़ा सा चेहरे पर बिंदी बिंदी लगा ली हूँ क्योंकि मैं बहुत ख़राब दिख रही थी और ये चले गए हैं और आएंगे अब सामने 8 बजे के पहले नहीं आने वाले खाना खाने के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे 12 बजे फिर आएंगे और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट के बिना आलू टीवी स्टार्ट कर दी आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ आप मेरी फैमिली बनो मेरी फ्रेंड बनो जो भी आपको अच्छा लगता है मेरे से वो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मुझे अपने फैमिली समझो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी और इस तरह से मेरा मोटिवेशन और लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपसे और बस यही बोलना था क्योंकि आप लोग का प्यार दिख रहा है आप मुझे वीडियो आप मेरी वीडियोज़ देखते हो पर लाइक ही नहीं करते हो बहुत होता है लाइक बहुत कम होता है तो लाइक करना बनता है आप इतनी एफर्ट को तो थोड़ा मैं एफर्ट लगा रही हूँ तो आपके एफर्ट के बिना कैसे होगा आरू टीवी स्टार्ट करी थी बेटा हाँ तुमने टीवी स्टार्ट की थी ना हाँ जाओ फिर से देख लो स्टार्ट करके आरू बिजी रहती है बहुत मेहनती है बहुत मेहनती दिन भर इधर से उधर सामान फेंकना सब सामान को उधर से फेंक के रखना और उसे हम उठा उठा के रखते रहते हैं दिन भर क्या करना यही करना मेरा यही काम है और मैं अमेज़ॉन से मेरा आज डिलीवर हो गया है मैंने जो अपने मेकअप ब्रश मंगाए थे वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद वो आ गए हैं और मैं उसका रिव्यू देने वाली हूँ हाँ बेटा रिव्यू देने वाली हूँ कल दूँगी अपनी वीडियो बनाऊँगी मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है फीवर हल्का हल्का फीवर आ रहा है तो उसका मैं कल बनाऊंगी वीडियो आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है तो आज मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है ग्लोइंग मेकअप लुक बोल्ड ग्लोइंग मेकअप लुक फॉर वैलेंटाइन तो प्लीज़ चेक आउट माय वीडियोस एंड माय चैनल नेम इज सिपाली सुपर वीडियो आप मेरी वीडियो को जाकर देखो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत हेल्प करेगा मैंने स्टेप बाई स्टेप उसका सारा मेकअप बताया है और बहुत ज़्यादा है अच्छा हाँ बेटा और मेरा कल का व्लॉग अभी तक से अपलोड नहीं हो रहा है वो अब मैंने अपलोड में 2 बजे से लगा रखा है
और इतना स्लो हो रहा है, नेट बिल्कुल सही है पर पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं, 2 से 5 हो गया है अभी तक से, वो इतना बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है, इतना ही बच रहा होगा, और पता नहीं कब अपलोड होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कल से 2 दिन से मेरा वीडियो अच्छे से अपलोड ही नहीं हो पाता, होने में बहुत टाइम लगता है, और रात में तो वो अपलोड में लेता ही नहीं है, आता ही नहीं है ऑप्शन यूट्यूब पे डालने को। तो खैर वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपलोड अभी 3 घंटे से अपलोड हो रहा है, 3 4 5 2 घंटे से, बहुत देर से मैं अपलोड पे लगाई हुई हूँ पर हो नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा। 8 बजे रात में हो जाए तो भी ठीक है। तो वो है मेरा, वो भी मेरे चेकआउट करना, क्योंकि मैं आज अपना ब्लॉग, कल का ब्लॉग आज आज अपलोड पे लगाई हूँ, अभी तक से हो रहा है। और सारी वीडियोस आप देखते हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, और बहुत सारा प्यार दो, लव दो, और बस यही कहना है। और जैसे आप सारी यूट्यूबर को इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, यार आप ही की वजह से वो वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बस आप लोग की वजह से ही। और उनकी मेहनत, उनकी एफर्ट भी है बहुत हद तक। नहीं बेटा, मुँह में नहीं लेता, लॉन्ग कर देता है। चलो, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो गया मेरी, ये इस आई से बहुत दर्द हो रहा है, ये थोड़ा सा सूजा भी लग रहा है ना। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाऊंगी, शायद मूड ठीक हो जाए, फ्रेश लगे मूड, तो जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बनाने के बाद आपसे और बात करूंगी, ठीक है। आरू खा रही है ऑरेंज, मैंने आपको बताया था आरू को ऑरेंज बहुत पसंद है। तो आज हमारे घर के बगल में सैटरडे मार्केट लगता है, और वहीं से हमारा सारा वेजिटेबल फ्रूट्स आ जाता है 1 वीक के लिए, तो वही आज आया है, तो ये देखी है तो वो खाने के लिए बोल रही है, और ये खाती नहीं है, बस उसका जूस पी, मतलब पूरा खा जाती है, और उसका जो अंदर का जो रहता है पल्प वो सब फेंक देती है, और बदमाशी करके पूरा इसका पूरा जूस इसके कपड़े पे गिर रहा है, इसको सब चेंज करना होगा। तो इस तरह से आरू मेरा काम बढ़ाती है, और मैं उसका फिर काम करती हूँ। आरू ऐसे खाया जाता बेटा, क्यों इतना तुम ने चढ़ाया है कुकर में खिचड़ी, और आज हम पतली खिचड़ी खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे पतली खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा आईने भी, तो आज हम मॉर्निंग में नहीं बना सके तो आज रात में बना रहे हैं। और मैंने बैंगन का भरता बना लिया है, आलू का भरता बना लिया है, और धनिया पत्ते की चटनी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसे मुझे सील पर पीसना पड़ेगा, और मैं सील पर नहीं पीसना चाहती, क्योंकि थोड़ा सा चटनी आपका ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर में हो नहीं पाता, मेरा जार थोड़ा बड़ा है वो उसमें नहीं हो पाता है, तो उसे मैं सील पर नहीं पीसने वाली हूँ। और ये इन्होंने बोला है कि 8 या 8:30 में आऊँगा, तो खाना रेडी रखना, तो फिर मैं रेडी रख रही हूँ अभी। अरे बेटा, शाम के वक्त एक तो फ्रूट्स खाते नहीं है, हाँ ऊपर से इसको देने के बाद ही पूरा जूस अपने हाथ पैर सब में लगा रही है, सब मेरा काम बढ़ाती रहती है हर समय। तो ये आएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। मेरा तबीयत आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, मैं ग्लूकोज घोल कर पी हूँ, ऐसे पीना नहीं चाहिए ठंड में, वो तो बहुत ठंडा करता है, तो फिर भी मुझे एनर्जी नहीं मिल रहा था, तो मैं एनर्जी गेन करने के लिए वो पी ली हूँ 1/2 ग्लास, और पीने के बाद कुछ बेटर फील हो रहा है। और ये सब और सब मुझे पता है ज़्यादा वर्कलोड की वजह से हो जाता है, अगर आप दिन भर 1 सेकेंड के लिए भी रेस्ट ना करो तो वो कभी ना कभी आपका सारा हरासमेंट निकलता ही है, और मेरा भी निकल रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं फुल स्वेटर इनर सब पहनकर फिट रहती हूँ। आलू 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 का पूरा मुंह हो गया कचला, और अब सोच रही हूँ कब अपने मायके जाऊंगी, बहुत मायके जाने का मन हो रहा है। 3 से 4 महीने होते हैं तो फिर घर की याद आने लगती है, और बहुत मिस करने लगती है सबको, तो जाने का मन करता है मायके, नहीं तो किसी भी सिस्टर के यहाँ। न्यू ईयर में तो मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर पाई था, 1 दिन में हम लोग लौट कर वापस आ गए क्योंकि इनका ड्यूटी था, मैं इनफैक्ट मैं जाना नहीं चाह रही थी पर फिर भी ये ज़बरदस्ती ले गए कि चलो इन्जॉय करेंगे, इन्जॉय तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं परेशान हो गई, मेरा आरू का जैकेट वहाँ छूट गया है, मेरा कपड़ा छोड़ छोड़ के आ गई हूँ, और तो मैं जा रही हूँ अपना खिचड़ी को कम्प्लीट करने।
और अभी 7:30 हुआ है और ये आ जाएंगे 8:30 में, तो 1 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है एक्चुअली। हाँ बेटा, और ये आरू है मेरा बेटा, है शोमा है। आरू बोलते बेटा, आरू ओ मम्मा। अच्छा मेरे पास फिर से मम्मा में सज जा, मम्मा में सज जा, अरे मम्मा में सज जा। ओलिव बहुत अच्छा लगता है आपका बच्चा, आपके कलेजे से सब सकता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे उम्र में बहुत सारी लड़कियां अभी कॉलेज क्लासेस कर रही होंगी, मेरी शादी हो गई और मेरा बच्चा भी हो गया, और एकदम क्या कहते हैं ग्रस्त जीवन को मैं जी रही हूँ। अभी बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ जो थी वो अभी कॉलेज में ही हैं और वो पढ़ाई कर रही हैं और कुछ उसके बाद तैयारी वगैरह कुछ। तो हाँ बेटा, और मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ खाना पकाना कर रही हूँ और अपना एक नया काम स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं नया तो नहीं है, हो गया मुझे काफ़ी दिन, तो उसमें भी मुझे बहुत मन लगने लगा है, बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं बिजी होना चाहिए हर इंसान को, खाली दिमाग नहीं होना चाहिए ताकि शैतान का ना बन जाए, तो कुछ ना कुछ मैं हर इंसान को करना चाहिए। अगर आपको आप मेहनत करोगे तो आप अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो मैं इसी क्या कहते हैं सिद्धांत को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे लोगों को बस यही सुना है, मेहनत करो फल तो ऊपर वाला देता है, और मुझे पता है ऊपर वाले इतने निर्दयी नहीं है कि आप मेहनत करो आपको फल ना मिले, तो मुझे तो मिलना है फल, आज नहीं तो 1 ईयर के बाद तो मिलेगा, मुझे उसका चिंता नहीं है कि मुझे फल मिले या ना। मैं बस अपने काम में बहुत बिजी रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं खुद को इतना बिजी रखना चाहती हूँ किसी के बारे में मैं सोचू नहीं। हाँ बेटा खोल दे। तो यही है, तो बस यही करना चाहते हैं, काम करो और अपने लाइफ को एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसे मेरा टाइम स्पेंड, कल संडे है, सब लोग अपने हस्बैंड के साथ मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं, पर मेरे हस्बैंड को कल भी ड्यूटी है और मुझे कुछ खास एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि संडे का दिन ऐसे ही पूरा निकल जाएगा। आरो तो ये रहेंगे नहीं, तो फिर से वही डेली वाला ही शेड्यूल रहता है कल हमारा, और ये रहते हैं तो ठीक रहता है। संडे का मतलब होता है छुट्टी, और छुट्टी में लोग अपने घर में एंजॉय करते हैं, अरे कुछ भी होता है तो वो घर में ही रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन ये संडे को रहेंगे नहीं तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पर कोई बात नहीं, पहले जॉब है उसके बाद सब कुछ है। हाँ हाँ दे दो मेरा बच्चा, ये सारा छिलका मुझे आरू दे रही है। आरू को साफ सफाई होना चाहिए बिल्कुल, आरू के हाथ में अगर थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है तो इसको भी खोल दे। हाँ खोल दो, ये भी कैप खोल दी क्योंकि इसमें जूस लग गया है। तो मैं जा रही हूँ आलू का कपड़ा चेंज करने, और उसके बाद मैं आपको हम लोगों का खाना हो गया, आलू का भी खाना हो गया, और ये आए हैं, अभी 9 बज रहा है, ये आए हैं और खाना खा कर चले गए, और अब हम और आलू सोने वाले हैं। और खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, आलू को भी बहुत अच्छी लगी, आलू ने बहुत दिन के बाद अच्छे से खाया है, और मेरा बेटा उसको सोना है। और आरू कैसे नीली करते बेटा, अरे बाबा ऐसे कैसे ऐसे सर करके कैसे बताती है, ऐसे सोती है, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, और रोती कैसे है बेटा। तो हम और आरू जा रहे हैं सोने, आरू दूध नहीं पी, ये खिचड़ी खा चुकी है, और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा मेरा भी, आज तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, और मैंने लगा लिया है हेयर ऑयल, और हेयर ऑयल का वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, हाउ टू यूज़ हेयर ऑयल। तो आप अपने बाल को लंबा घना और स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, और आप ऑयलिंग कैसे करें, वो मैंने इस बताया है वीडियो में, तो आप उसे चेक ज़रूर करना जाकर, और मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मस्ट करें। तो हम लोगों ने खाने खा लिए हैं, तो वो आ रहा है, अब नींद आ रही है, और मैं कल से जो कल का वीडियो मैं अपलोड में लगाई हूँ, सो अभी तक से अपलोड नहीं हुआ है, और वो अभी तक से ये
लगा हुआ है, प्रोसेस में है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा माँ, है आज सारे जो है माँ, मिनट। हाँ बेटा, हाँ जी बंदा, आप सोना है ना बेटा? हाँ चाहे सोच मैं कंधा में सोचा था। तो हम लोग सुबह से ही सब जगह नेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा, सब लोगों का नेट ख़राब है। तो सॉरी थोड़ा लेट से आजकल का वीडियो अभी तक से अपलोड नहीं हो पा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सुबह 2 बजे से ही कर रखा है, तो डोंट माइंड। और मेरा वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करना, एक बार ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने और सुबह उठना है 6:30 से पहले मुझे उठना होगा, क्योंकि इनका कल 8 बजे से ड्यूटी है। तो 8 बजे के पहले मुझे ब्रेकफास्ट बना के कंप्लीट करना होगा, इन्हें खिलाकर ही भेजना होगा, कि नहीं तो फिर ये 4 बजे आते हैं, तो 4 बजे तो ना लंच का टाइम होता है ना ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठूँ और इनके लिए नाश्ता बना दूँ। और आरू अब बाय बाय कर दो बेटा, हम अपना ब्लॉग बंद करने वाले हैं, बाय बाय कर दो। तो अच्छे से बाय करो, अच्छे से प्यार से बाय करो, बाय अच्छे से बाय बाय कर, तो बाय बाय बोल दो, बाय बोलो, बाय बोल दो, हाय बाय। अब फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो, ओरी बॉब कैसे देती है फ्लाइंग किस, ओरी बॉब। अब पप्पी दे दो बेटा, सबको पप्पी दे दो, कैसे पप्पी देती है, ओली बॉब रे बॉब। मिल गया पप्पी आप लोग को, तो सब्सक्राइब करना बनता है एकदम मेरे बच्चे के लिए। और पप्पी नहीं, ज्यादा पप्पी नहीं देते, ठीक है मम्मा को देते हैं। तो ठीक है अब मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ, एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। हाँ बेटा, हाँ बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय, हाँ ठीक है चलो बाय। अब मैं एंड कर रही हूँ, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।